हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न चित्रपदानी सेकंड चैप्टर इज चित्रपदानी सेकंड। पहले हम लोगों ने सरस्वती माता की जय जय हे भगवती सुर भारती, देन आफ्टर वी लर्न द चित्रपदानी वर्णना। इन चित्रपदानी वर्ण फर्स्ट भाग में क्या था, हम लोग एक वचन के बारे में पढ़े। अभी हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ पे एक वचन और बहुवचन, जैसे सह हमने पढ़ाया था। अब बिफोर स्टार्टिंग द चित्र पदानी सेकेंड द प्लूरल वर्ण, आई रिवाइज यू द चित्र पदानी वर्ण सिंगुलर वर्ण। ओके, तो सिंगुलर में आप लोगों ने सीखा था, जैसे सह सीखा था, सह वर्ण सीखा था। सह का मतलब क्या है, ये एक वचन में है, वह वह सह बालक अस्ति, वह लड़का है, एक ही लड़का है, तो सह का मतलब यहाँ पे ही है, ये सिंगुलर है। विमानम
That यह और वह के लिए सी और ही में वही लगता है।
तो सी इज अ गर्ल, एशा उन पेटिकास, इट इज अ टेबल एंड दैट इज अ डायरी, सी इज अ डॉल एंड सी इज अ पूजा, सी इज पूजा, एतत् वातायनम्, दिस इज विंडो एंड दैट इज डोर, एतत् पुस्तकम्, दिस इज बुक एंड तत् चित्रम्, दैट इज सीनरी, एतत् बस यानम्, दिस इज अ बस एंड तत् विमानम्, दैट इज एन एरोप्लेन, अहम् शिक्षकः, आई एम अ टीचर, त्वम् छात्रः, यू आर अ स्टूडेंट, अहम् बालिका, आई एम अ गर्ल, त्वम् बालकः, यू आर अ बॉय एंड त्वम् बालिका, यू आर अ गर्ल, अहम् युवकः, आई एम अ यूथ, यू आर सः बालकः, त्वम् बालकः, यू आर अ बॉय, सः बालकः तो हो जाएगा, ही इज अ बॉय। इसी तरह नाउ वी सी द चित्र बनानी, यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है। ये रिवीजन था फर्स्ट चैप्टर का, मैंने रिवीजन आप लोगों को बता दिया। अब सेकेंड चैप्टर में जो है प्लूरल की बातें हो रही है। चित्र प्रणाली दो में आप लोग प्लूरल वर्ड बहुवचन लिखोगे। अभी एक वचन सिंगुलर और ये रहा प्लूरल बहुवचन। तो एते गजाः, जहां आपने पढ़ा एषः, एषा का बहुवचन क्या हो गया, एते, एषा आपने सीखा था, इसका बन गया एते, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, तो एषा का बन गया एते, एते गजा, अब देखो एषा गजा अस्ति, यह एलिफेंट है, दिस इज एन एलिफेंट, और एते जब ये हाथी हैं, हाथियां हैं, तो यहाँ क्या देंगे, गजा गजाऊ गजा, यहाँ दो वचन में एते गजा सन्ति, अब यहाँ पे अस्ति इसका सन्ति का सन्ति बैठाना होगा, समझ में आ रही है बात ना। आप लोग देखो जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक के लिए है अहम, दो के लिए है आवाम, और बहुवचन के लिए है वयम, ये एक पर्सन के लिए, ये दो पर्सन के लिए, ये तीन पर्सन के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वचन, इसको बोलेंगे द्विवचन, और इसको बोलेंगे बहुवचन। फिर इसी तरह हो जाता है त्वम, युवा, यूयम, फिर यहां हो जाता है सह, तौ, ते। अब यहीं पे जैसे सा है तो सा, ते, सा, ये स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग में, तत, ते, तानि, ये नपुंसक लिंग के लिए। इसी तरह राम है, अगर पुल्लिंग वर्ड है अकारण, तो राम रामो रामा, सीता है तो सीता सीते सीता, वो आप लोग जब अवर्ड पढ़ोगे शब्दरूप तब पता चलेगा, फलक फले फलानी, ऐसे ये पुल्लिंग स्त्री और नपुंसक लिंग में पढ़ करोगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एंड नपुंसक लिंग। जैसे तो यहाँ एते गजा सन्ति, तो अस्ति का भी ऐसे ही होता है, अभी है वर्ड अगर लगाना है तो इसके अनुसार ही हम लोग लगाएंगे, अस्ति अस्तः सन्ति। अब एते जो है बहुत सारे, ये हाथी है, तीन है, चार है, तीन दो से ज्यादा है, तो एते गजा सन्ति, एते त्रयः
देश की है, यहाँ है और थोड़ी दूर में है। तो ते गजा का जो हमने एक ऐसा के बाद सह पढ़ा तो सह के लिए आ गया सह चौथे। यहाँ देखो मैंने लिखा है ते बहुवचन में, ते वह के लिए आ गया तो ते गजा संधि का संधि, क्योंकि बहुवचन है ना, इसलिए ये यहाँ पे ये वर्ड के लिए आया दीज के लिए। और ते जो है वे वर्ड के लिए आया दोस्त के लिए। समझ में आ रही है ना, दोस्त आर एलिफेंट्स, दीज आर एलिफेंट्स, अंडरस्टूड? आई होप यू गॉट इट। तो सेकेंड वन एते शशका, सेम थिंग एते शशका संधि, एते वर्ड आया दीज के लिए, दीज आर रैबिट, एते क्या बोलेंगे सशक्त वर्ड होता है रैबिट के लिए। तो एक सशक्त नहीं है, तीन तीन है, दो होते तो सशक्तौ होते, यहाँ की तरह राम
स्प्रिंग। ठीक है, अब हम लोग फेमिनिन वर्ड देखते हैं। ये भी इस चीज में भी इम्पोर्टेंट, यू राइट योर बुक। अब जैसे बालका है, बालका का भी बता देते, बालका बालकाओ बालका, ये ऐसे रूप चलता है। ये सब रूप आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कैसे भी करके कंठस्थ करना ही पड़ता है इसको, इसमें कोई दो मत नहीं है। पार्ट वन, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द फेमिनिन वर्ड। फेमिनिन का आपको प्लूरल बहुवचन अभी मैं सिखाती हूँ। सिंगुलर में आपने क्या सीखा? फेमिनिन के लिए सिंगुलर में आपने क्या सीखा? फेमिनिन के लिए सा एंड एसा। फेमिनिन वर्ड सिंगुलर में क्या सीखा था आपने? सिंगुलर में सीखा था एसा वर्ड एंड सा वर्ड। दिस एंड सी, एक्चुअली दोनों में सी होगा क्योंकि ये लड़की के लिए है, और अगर किसी वस्तु के लिए करते हैं तो उसमें हम लोग देते हैं ऐसा वर्ड। ऐसा और सा सिखा। अब प्लूरल हम लोग सीखने जा रहे हैं। प्लूरल में क्या है? These are birds.
दिस इज एक वचन, एक वचन। दिस वन इज द्वि वचन। दो लड़की की, दो नवा नाम के बच्चे की बात हो रही है, दो बालिकाओं की बात हो रही है, तो बालिके और नवा, तो ये बहुवचन उड़न में आप लोग इसको यूज करोगे, है ना? अंडरस्टूड है ना ये? तो सा बालिका, दोज आर गर्ल्स। इसी तरह चटका, चटका वर्ड भी स्त्रीलिंग है। ये कुछ वर्ड आपको स्टार्टिंग में सिखाए गए हैं सेवेंथ क्लास में, है ना? सेवेंथ में आपने पढ़ा है कि वर्ड पुलिंग वर्ड, स्त्रीलिंग वर्ड, नपुंसक लिंग वर्ड। तो ये अभी बहुत कुछ भूल भी गए होंगे मैं मानती हूँ, तो इसमें कोई बात नहीं है, लोग भूल जाते हैं, बट आप लोग देखते रहो कि कौन सा वर्ड पुलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है, उसके अनुसार ही शब्द रूप याद करके फिर ये बनता है। तो चटका वर्ड है, चटका मतलब चिड़िया, वो भी स्त्रीलिंग वर्ड है, तो वहां भी अगर चटका दे दिया, चटका, तो यहाँ क्या भरेंगे? अगर यहाँ दिया these are words, और फिर दे दिया those are words, यहाँ चटका तो सेम ही रहेगा दोनों में। अब यहाँ और यहाँ भरना है, तो आप क्या करोगे? एटा जो नजदीक में है, दीज है, एटा तो चटका है, यहाँ पे आके चार पांच चिड़िया बैठी हुई है, एटा चटका है, दीज आर बर्ड्स। और वहाँ है थोड़ी दूरी पे है चटका, चिड़िया बैठी हुई है थोड़ी दूरी पे, तो हम बता रहे हैं कि ता चटका है, वो चिड़िया है, दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स। तो ये हम लोग आज सीख गए दीज और दोज प्लूरल की बात, ओनली फेमिनिन एंड ओनली मस्कुलिन। अब नपुंसक लिंग की बात है, तो नपुंसक लिंग आई थिंक टाइम इज ओवर, सो वी टेक इट।